तो दोस्तों आज तो हमने मतलब काम कर ही दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो नए ब्लॉग की नई शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 5:30 बजे से। मैंने सुबह सुबह नहा के पूजा पाठ भी कर दिया है, मंदिर में दिया भी लगा दिया है और इधर बच्चे भी अभी तक सो रहे हैं। ये पहले सुबह उठ गए हैं एक बार और फिर से दोबारा सो गए हैं। और मैं भी आपको दिखाती हूँ अभी बाहर कितना अंधेरा हो रहा है करके। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी सुबह नहीं हो रखी है, अभी थोड़ी देर में सुबह भी हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले चाय पी लेती हूँ और ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद हम जा रहे हैं असोस का काम करने के लिए। तो सबसे पहले आप कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को। अब हो गई है मम्मी और मेरी जाने की तैयारी और पानी की बोतल वोतल सब कुछ देख रहे हैं अभी हम लोग। रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है कि आप पूछो ही मत, पूरे रास्ते भर में ना घास ही घास हो रखी है, ऊपर से इतना डर भी लग रहा है। फाइनली आप थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी दूर है हमारे घर से इस वजह से, और रास्ते में इतना ज़्यादा घास हो रहा है और पता है पैर कहाँ जा रहे हो कि दिखाई तक नहीं दे रहा है, क्योंकि पैर रखने के लिए दिखाई भी तो देना चाहिए ना। घास इतना रास्ते में घास ही घास घास ही घास, एक तो इतना ज़्यादा पाला पड़ा है यानी कि, और पूछो ही मत। तो आप पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, किसी लोगों ने तो इधर कार्ड भी रखा है ये गैजियो। वैसे घास लेकिन इसको ना ऐसे काटने के बाद सुखाने के बाद इसको गैजियो बोलते हैं, इसका लोटा लगाते हैं। और रास्ता कुछ इस तरह से है, अब फिर से ऐसी रास्ता आ गया है। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा यार। तो हमारी ताई जी ना कब का आके आ चुकी है और वो काटने लगे। ये है हमारी ताई जी और ताऊ का घर। हमारा घर उतर है ऊपर और मम्मी पहुंच गई। और ये है हमारे पूर्वजों की धरोहर, एक ही लोटा होता है हमारे यहाँ पे। तो स्टार्ट हो चुका है ये हमारा गाजर काटना। वैसे भी असोज तो ना गाजर के लिए ही फेमस है। तो ये रहा, ये पूरा नहीं है, आधा ही है, उस साइड को ताई लोगों का है।
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से लेकर वहाँ तक काट दिया है। मेरी थाई जी उधर पहुँच गई नीचे तक। और हमारी छोटी ताई जी उधर खेतों को खोद रही है। तो दोस्तों धूप भी आ गई है। हम लोगों ने वहां से लेकर वहां तक काटा और यहां से वाले को भी और मम्मी अभी भी काटने में ही है और वहाँ से काटा हमने। अब मेरी हो गई है घर जाने की तैयारी। तो अभी बचे हैं 9:10 और ये रहा मेरा घास। तो अब चलती हूँ मैं घर को क्योंकि मैं जा रही हूँ, मम्मी थोड़ी देर में आएगी क्योंकि मुझे बांटना है किन्नू को और घर के गोबर वोबर निकालना नहलाना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो अभी वैसे यहाँ काफ़ी दूर है, अभी मतलब अभी बजे है जैसे कि 9:10 और वहाँ पहुँचने तक मुझे 9:40 से ऊपर ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ से सीधे चढ़ाई चढ़ाई है। तो अब मैं जल्दी से घास बाल लेती हूँ फिर चलती हूँ मैं घर को। यह घास इसके मैंने बांध दिया है और दरातली में इसके उधर फंसा देती हूँ। एक दरातली ना मैंने ऐसे ही फंसाया था, वो गुम भी हो गया है तो ये थोड़ा अजीब सा हो रखा है। अब चलते हैं घर को और मिलते हैं सीधे घर जाने के बाद। अब मैं घर भी पहुंच गई हूं और इस घास को ना मैंने धूप में सुखाने के लिए ऐसे ही डाल लेना है जैसे मम्मी ने इस घास को डाल रखा है क्योंकि काफ़ी बड़ी घास है तो नहीं खाता है। और ये दोनों भी आ गए हैं मुझे देख के। कुकुर घर आते आते मेरी हालत कुछ ऐसी हो रखी है गर्मी से। तो अब मैं सबसे पहले धूप में डाल देती हूँ घास को और देख सकते हो आप अभी बज रहे हैं 9:45 जैसे कि मैंने आपको कहा था। अब मैंने घास भी डाल दिया है सुखाने के लिए और मम्मी ने वहाँ पे बना रखे हैं नरवा के खूब। तो अब मैं कर लेती हूँ घर के काम। हेलो दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 और हम फिर से चले गए हैं घास काटने के लिए यानी कि गाजर काटने के लिए। उसके बाद मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर मैं घर के काम कर रही थी इस वजह से। तो आप चलते हैं। और अभी चाची ने ना रास्ते का घास काट रखा है तो चलने के लिए थोड़ा ठीक हो रहा है। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा घर का खम्भा है। अब इस साइड को काटना है हम लोगों ने और ये जो ऊपर पेड़ दिखाई दे रहा है ना वो वाला उसी के उधर पे है वहाँ तक है मतलब उसी के सिद्धाई पे है, काफल के पेड़ के ही सिद्धाई पे है। वैसे कम दिखाई दे रहा है वैसे है ये भी। अभी बचने वाले हैं 5 और शायद कल मॉर्निंग तक हम ना यहाँ का जो भी घास है काट लेंगे यानी कि जो सुबह मतलब 10-11 तक ये हाथ ही काट गया है मैंने इतना ज़्यादा। तो अब सबसे पहले मैं इसको बात देखती हूँ।
तो दोस्तों आज तो हमने मतलब काम कर ही दिया है और काफ़ी कार्ड भी दिया है, तो अब घास इकट्ठा करते हैं घर ले जाने के लिए और बाकी का मॉर्निंग में काटेंगे। तो सबसे पहले अब मैं घास इकट्ठा कर लेती हूँ घर ले जाने के लिए। और हम लोगों को जाना है वहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो इतनी चढ़ाई करनी है, काफ़ी चढ़ाई है यहाँ से। और हाथ के लिए ना मैं बांधने के लिए ढूंढ रही थी, पर ये लाइनी ऐसी होता है यार, पहाड़ी लाइफ ऐसी होती है। हमारे यहाँ कोई बैंडेज वैंडेज कोई व्यवस्था नहीं होती है, बस कभी भी हाथ कट जाता है। और हाथ कटना तो खैर रोज़ का ही लगा रहता है हम लोगों की लाइफ में, तो रियल लाइफ तो यही होती है पहाड़ी लोगों की। तो मैं जल्दी से आप काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। मम्मी भी घर के लिए घास इकट्ठा करने लग गई है और देख सकते हो अभी 5:30 मतलब 5:40 हो रहे होंगे और अंधेरा होने लग गया है। और मैंने भी इधर घास इकट्ठा करके बांध दिया है। तो मैं निशा आपको मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों। बाय बाय।